अमेरिका में नासा जो संस्था है उसमें 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। ये सब वापस अगर आ जाए तो नासा जैसी हम 100 संस्थाएं बना सकते हैं। अमेरिका में MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 43% इंजीनियर भारत के हैं, ये वापस आने चाहिए। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसमें 53% इंजीनियर भारत के हैं, ये जाने चाहिए वापस। और इनको लाने का एक ही तरीका है, डॉलर रुपया बराबर करो, नहीं तो नहीं आने वाले ये। इनको देश से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम होता तो ये भागते नहीं यहां से। इनको प्रेम है डॉलर से, और डॉलर को क्रैश करा दो ये अपने आप भाग के वापस आएंगे, ये रह ही नहीं पाएंगे वहां। तो इनका जो ब्रेन है वो देश के लिए काम में आएगा। अभी ये अमेरिका की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे लिए सेवा में इनको लगाना है, क्योंकि हमने पढ़ाया इनको, हमने खर्च किया इनके ऊपर, और सेवा अमेरिका में दे रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि 1 रुपए में $7 हो जाए, ये आप बहुत जल्दी देखेंगे। और अगर 1 रुपए में $7 हो गया तो आप सोचो ये देश कहां से कहां पहुंचेगा। सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना है इस भारत को, क्योंकि भूतकाल में ये दुनिया का विश्वगुरु था, भविष्य में भी इसको विश्वगुरु ही बनाना है, इस देश के वर्तमान को सुधारना। और अब की बार भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना। सोने की चिड़िया था तो सबने लूटा, सोने का शेर होता तो छू के देते कोई। शेर को नहीं लूट सकते, चिड़िया को लूट लेते। तो अब इस देश को सोने का शेर बनाना है। आपको लगेगा कि अभी तो ये सपना है, हाँ अभी ये सपना है, और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है, एक दिन के बाद वो हकीकत बन जाती है।